एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड, जैसा कि हम बात कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट एजुकेशन साइकोलॉजी जो कि हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें हमने देखा है सीसी फर्स्ट चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसका मतलब होता है बाल अवस्था एवं बालक का विकास। तो फ्रेंड्स, जो हम पेपर पढ़ रहे हैं सीसी फर्स्ट का पेपर पढ़ रहे हैं और मैं आप लोगों को इसके ही नोट्स प्रोवाइड कर रही हूं। तो आज हम इसके आगे पढ़ेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी में मैस्लो का मानवतावादी का सिद्धांत, जो अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। फ्रेंड्स, इन सभी के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा पार्ट 5 रहेगा, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 मैंने पहले से वीडियो पे अपलोड कर दिए हैं और मैं इसे डिस्क्रिप्शन लिंक पर भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। तो आज हम पार्ट 5 में बात करेंगे। फ्रेंड्स, अब्राहम मैस्लो, इन्होंने मानव की आवश्यकताएं बताई हैं कि मानव की आवश्यकताएं क्या होती हैं, क्योंकि इन आवश्यकताओं के बिना मानव का जो जीवन होता है वो निस्वार्थ होता है। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या आप बीएड कर रहे हो, या बीए डीएलएड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आने वाले आपके हर एग्ज़ामों में इस सिद्धांत से 80% जो पैडागॉजी रहती है वो इन्हीं सिद्धांतों से बनी होती है। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, तो हम टॉपिक की बात करते हैं कि हमें आज क्या क्या टॉपिक डिस्कस करनी है। पहला टॉपिक आपका रहेगा अब्राहम मैस्लो का बैकग्राउंड ऑफ एजुकेशन, यानी कि अब्राहम मैस्लो का हम बैकग्राउंड देखेंगे एंड उसका एजुकेशन देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं प्राप्त की हैं। सेकेंड हम देखेंगे ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ मैस्लो, तो मैस्लो ने अपने सिद्धांत में क्या बताए हैं कि मानवतावादी सिद्धांत क्या होते हैं। थर्ड टॉपिक आपका रहेगा ह्यूमनिस्टिक मैस्लो ऑफ नीड, यानी कि मानवतावादी जो मैस्लो हैं इन्होंने क्या आवश्यकताएं बताई हैं कि मानव की आवश्यकताएं किन किन जरूरतों से पूरी होती है। अब्राहम मैस्लो का बैकग्राउंड एंड एजुकेशन, कि अब्राहम मैस्लो का बैकग्राउंड और उनकी एजुकेशन क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका बैकग्राउंड। तो इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1 अप्रैल 1908 को न्यूयॉर्क में हुआ है। इनकी मृत्यु हो गई थी 8 जून 1970 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका एजुकेशन है, इनको जो शिक्षाएं मिली हैं वो मिली है सिटी कॉलेज ऑफ न्यूयॉर्क से, और यूनिवर्सिटी में इन्होंने जो पढ़ाई की है, तो सबसे पहले देखते हैं हम बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन साइकोलॉजी जो कि इनको प्राप्त हुआ है 1930 में, मास्टर ऑफ आर्ट्स डिग्री इन साइकोलॉजी, इन्होंने मास्टर डिग्री जो की है आर्ट्स से तो इनको प्राप्त हुई है 1931 में, और इन्होंने जो पीएचडी किया है वो किया है साइकोलॉजी से यानी कि मनोविज्ञान से, और इन्होंने कब किया है 1934 में। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए अब्राहम मैस्लो का बैकग्राउंड, इनका क्या बैकग्राउंड था और इनकी क्या शिक्षाएं हैं। अब हम बात करेंगे कि मानवतावादी मनोविज्ञान मैस्लो के सिद्धांत, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ मैस्लो, इन्होंने क्या सिद्धांत बताए हैं अपने थ्योरी में। तो देखते हैं अब्राहम मैस्लो हैं, जो इनका पूरा नाम फ्रेंड्स क्या है कि अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, और जो कि ब्रुकलिन में पैदा हुए हैं, और ये रूसी और यहूदी वंशज के थे। ये कहाँ पैदा हुए हैं? ब्रुकलिन में पैदा हुए हैं और ये रूसी और यहूदी के वंशज थे। मैस्लो ने मानवतावादी मनोविज्ञान एवं विकासात्मक सिद्धांत को विकसित किया है। इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीड ये है कि इन्होंने बताया है कि जो मानवतावादी ह्यूमनिस्टिक हैं, उन्होंने बताया है कि मानवतावादी और मनोविज्ञान का विकासात्मक सिद्धांत बताया है। मैस्लो ने अपने सिद्धांत में व्यक्ति की बुद्धि तथा व्यक्तिगत मूल्यांकन के बारे में महत्व दिया है। इन्होंने सबसे इम्पॉर्टेंट बताया है कि व्यक्ति की बुद्धि और व्यक्तिगत मूल्यांकन क्या होता है, इसे ही हम कहते हैं मैस्लो का सिद्धांत कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें आप इम्पॉर्टेंट्स हैं कि इनका पूरा नाम क्या है, अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो है, ये कहाँ के हैं, अमेरिकन के मनोवैज्ञानिक हैं, और ये ब्रुकलिन में पैदा हुए हैं। इन्होंने मानवतावादी और विकासात्मक सिद्धांत विकसित किया है, और इनने अपने सिद्धांत में बुद्धि तथा व्यक्तिगत मूल्यांकन को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट्स बताया है, इसलिए हम इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, मैस्लो का सिद्धांत कहते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक के अनुसार है कि बालक के व्यवहार संबंधी जो परिवर्तन है वो जन्मजात मूल प्रवृत्ति के कारण होते हैं। बालक में जो भी व्यवहार होते हैं वो कैसे होते हैं, जन्मजात मूल प्रवृत्ति के कारण डेवलपमेंट होते हैं, जिसे मानवतावादी दृष्टिकोण यानी कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहा जाता है, और इसे ही हम सेल्फ थ्योरी यानी कि स्वयं का सिद्धांत भी कहते हैं।
यह सिद्धांत मैस्लो के सिद्धांत को इसी कारण मतलब इस सिद्धांत को हम और भी दूसरा नाम कहते हैं, क्या कहते हैं, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, यानी कि इसे गद्यात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। और इस सिद्धांत का जो मुख्य इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, यानी कि इसे मोटिवेशन थ्योरी भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है, कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच कहते हैं, यानी कि मानवतावादी दृष्टिकोण का सिद्धांत कहा जाता है, इसे सेल्फ का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, मोटिवेशन थ्योरी भी कहते हैं, यानी कि अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी कहा जाता है। सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत जो है वो मानव की जरूरतों का पदानुक्रम या व्यापक रूप से इसका प्रयोग करना, मानव की जो आवश्यकताएं होती हैं वो एक एक क्रम के अनुसार चलती रहती हैं। अब हम अब्राहम मैस्लो ने अपने सिद्धांत 5 बताए हैं, प्रिंसिपल, अब्राहम मैस्लो के 5 प्रिंसिपल्स होते हैं। अब्राहम मैस्लो के अनुसार 1994 में सबसे पहले जो इनका सिद्धांत है वो है पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत, हायरार्किकल नीड थ्योरी। इन्होंने बताया कि जो मानव की जो आवश्यकताएं होती हैं वो कैसी होती हैं, क्रम से होती हैं, यानी कि एक आवश्यकता की संतुष्टि होने के बाद दूसरी आवश्यकताएं उत्पन्न होने लगती है। सेकंड है, इसे मांग आपूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत कहा जाता है, डिमांड सप्लाई नीड थ्योरी कहते हैं हम। देन नेक्स्ट है नाभिकीय आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं, थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर नेसेसिटी का सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट है स्व यथार्थीकरण आवश्यकता का सिद्धांत कहते हैं इसे हम, सेल्फ रियलाइजेशन नीड थ्योरी के नाम से इसे जाना जाता है। और देन लास्ट है मानवतावादी आवश्यकता का सिद्धांत, यानी कि थ्योरी ऑफ ह्यूमनिस्टिक नेसेसिटी। तो फ्रेंड्स, जो मानव की जो आवश्यकताएं हैं, इनके जो सिद्धांत हैं, इनके कितने सिद्धांत के इनको नाम से जाना जाता है, 5 सिद्धांत के नाम से इन्हें जाना जाता है। यदि आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है कि पदानुक्रमिक आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया है, या मांग आपूर्ति, नाभ की आवश्यकता, या स्वायत्तीकरण, या मानवतावादी, तो ये इस सिद्धांत को किसने बताया है, अब्राहम मैस्लो ने बताया है। अब हम देखते हैं कि अब्राहम मैस्लो जो हैं वो प्रेरणा के पदानुक्रमिक सिद्धांत नामक मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत इन्होंने बताया है। और मैस्लो जो थे वो कई महाविद्यालय विश्वविद्यालय में साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। इन्होंने व्यक्तित्व के बारे में स्टडी किया और इन्होंने मानवतावादी मनोविज्ञान का सिद्धांत दिया है। 1943 में इन्होंने प्रभावशाली एक रिसर्च पत्र में लिखा है कि ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में इन्होंने एक प्रस्तावित किया है कि जो स्वस्थ मानव होता है उनकी कुछ निश्चित आवश्यकताएं होती हैं, और ये भी आवश्यकताएं जो होती हैं वो एक पदानुक्रम में होती हैं, यानी कि एक सीक्वेंस में होती हैं, और इस पदानुक्रम के कितने चरण होते हैं, 5 स्टेप होते हैं, यानी कि मानव की जो आवश्यकताएं होती हैं वो एक एक करके आवश्यकताएं होती हैं, वो क्रम से होती हैं, सीक्वेंस से होती हैं। इसे हम देखते हैं फ्रेंड्स, जो मैस्लो का जो पिरामिड है आप देख रहे होंगे, त्रिभुज बना हुआ है। तो सबसे पहले जो मानव की जो आवश्यकताएं होती हैं, तो सबसे पहले आवश्यकता कौन सी है, शारीरिक आवश्यकता, यानी कि फिजिकल नीड जो आवश्यकताएं होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड होती हैं, शारीरिक आवश्यकता में। अब इस आवश्यकता की संतुष्टि के बाद सेकंड आवश्यकता उत्पन्न होती है, वो होती है आपकी सुरक्षा की आवश्यकता, यानी कि सेफ्टी नीड, कि मानव चाहता है कि उसमें क्या हो, सुरक्षा की आवश्यकताएं हो। फिर थर्ड आती है आपकी आत्मपन एवं प्यार की आवश्यकताएं, लव विलिंगनेस की आवश्यकताएं होती हैं। इसमें क्या होता है कि जब शारीरिक आवश्यकता और सुरक्षा की आवश्यकता, इन दोनों की संतुष्टि के बाद तीसरी आवश्यकता उत्पन्न होती है, प्रेम की आवश्यकता, यानी कि प्यार की आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं। फिर नेक्स्ट आवश्यकता उत्पन्न होती है रिस्पेक्ट की, सम्मान की, यानी कि इस्टीम नीड की आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं। जब चारों आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाती है, तब लास्ट में आपकी आवश्यकताएं कौन सी चालू होती हैं, आत्मसिद्धि, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की आवश्यकताएं चालू हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो इन्होंने मैस्लो का जो पिरामिड है, इन्होंने क्या बताया कि मानव की कितनी आवश्यकताएं हैं, 5 आवश्यकताएं होती हैं। तो जो 2 आवश्यकताएं होती हैं वो निम्न स्तर की होती हैं, क्योंकि ये कौन सी है, निम्न स्तर की। फिर धीरे धीरे मानव की आवश्यकताएं कैसी होती हैं, बढ़ती जाती हैं। और जो 3 आवश्यकताएं हैं, कौन कौन सी, आत्मपन, सम्मान की और सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी कि आत्मसिद्धि की, तो इसे हम कौन सी आवश्यकता कहते हैं, उच्च स्तर की आवश्यकता कहते हैं। तो 2 आवश्यकताएं जो शारीरिक आवश्यकता है और सुरक्षा की आवश्यकता है, इन्हें हम क्या कहेंगे, निम्न स्तर, यानी कि निम्न स्तर की आवश्यकताओं के अंतर्गत 2 आवश्यकताएं इंक्लूड होती हैं। और जो तीसरी है, चौथी है और पांचवी आवश्यकता है, वो किस में आ जाएंगी, आपकी उच्च स्तर में।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से ये मैस्लो की आवश्यकता का पिरामिड कंप्लीट होता है। अब हम वन बाय वन करके इन आवश्यकताओं को डिस्कस करते हैं, एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। व्यक्ति की पहली आवश्यकता होती है शारीरिक आवश्यकता, फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो शारीरिक आवश्यकताएं क्या होती है? दीज आर बेसिक नीड्स विच आर नेसेसरी फॉर योर सर्वाइवल। तो ये व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक होती हैं। ये आवश्यकता व्यक्ति की पहली आवश्यकता कहलाती है, जो हमारे अस्तित्व के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं। दीज फिजिकोलॉजिकल नीड इंक्लूड फूड, वाटर, क्लोथिंग। इफ अ पर्सन कैन नॉट मीट बाय दीज नीड, ही विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली। यानी कि यदि जो व्यक्ति रहते हैं, ये हमारे शारीरिक आवश्यकताएँ कहलाती हैं, भोजन, पानी, इन सारी चीज़ों को हम इसमें इंक्लूड करते हैं। यदि कोई व्यक्ति इन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो उनका जीवन जो रहता है वो प्रॉपरली यानी कि ठीक से नहीं चल पाता, क्योंकि भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, वायु, पानी, आश्रय, नींद आदि हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती हैं। यह आवश्यकता व्यक्ति के जीवन से संबंधित होती है। जब रोटी, कपड़ा, मकान हमारे लिए आवश्यक है तो ये डेली रूटीन के लिए हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना हमारा जो जीवन है वो नहीं चल पाता। ये सबसे निचले स्तर की आवश्यकता कहलाती है। जब तक कि आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती तब तक और अन्य आवश्यकताएं उत्पन्न नहीं होंगी। पहले आपकी ये आवश्यकताएं की पूर्ति होती है, फिर उसके बाद दूसरी आवश्यकताएं क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। तो शारीरिक आवश्यकता में क्या क्या चीज़ आ जाएंगी आपके लिए? भोजन, रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, वायु आदि, जो कि हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट्स हैं। तो पहली आवश्यकता क्या है हमारी? शारीरिक आवश्यकता, यानी कि फिजिकोलॉजिकल नीड्स कहलाते हैं जिसे। सेकंड आवश्यकता की बात करते हैं फ्रेंड्स हम, क्या है? सिक्योरिटी की आवश्यकता, यानी कि सेफ्टी नीड, सुरक्षा की आवश्यकता। तो सुरक्षा की आवश्यकता किसे कहते हैं? जब व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाती है तब कौन सी आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं? सुरक्षा की आवश्यकताएं उत्पन्न होती है। एट द लेवल पीपल वांट जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ, विल बीइंग, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सेफ्टी और प्रॉपरली। दैट मीन्स इस स्तर के जो लोग रहते हैं वो क्या चाहते हैं? नौकरी की सुरक्षा चाहते हैं, स्वास्थ्य कल्याण की सुरक्षा चाहते हैं, वित्तीय सुरक्षा चाहते हैं, संपत्ति की सुरक्षा चाहते हैं, मतलब सिक्योरिटी, कैसे सिक्योर होना है उसकी सुरक्षा वो चाहते हैं। इन आवश्यकताओं के अंतर्गत व्यक्ति अपनी शारीरिक सुरक्षा, स्थिरता, बचाव, भय, निर्भरता एवं चिंता से मुक्त आदि हो जाते हैं, क्योंकि ये दूसरों पर निर्भर या आश्रित होते हैं। क्योंकि जब हम कुछ चीज़ें जॉब वगैरह करते हैं तो हम किसी दूसरे व्यक्ति पर क्या हो जाते हैं? डिपेंड हो जाते हैं। सामाजिक और आर्थिक सुरक्षाएँ कहलाती हैं। शरीर को दुर्घटना एवं बीमारी से बचाने के लिए आवश्यकताएं अवश्य होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सुरक्षा की आवश्यकता कहते हैं। तो पहली आवश्यकता कौन सी हो गई? शारीरिक आवश्यकताएं। सेकंड जो आवश्यकता होती है वो होती है सुरक्षा की आवश्यकता। तीसरी आवश्यकता उत्पन्न होती है स्नेह एवं संबद्धता की आवश्यकता, लव एंड बिलोंगनेस नीड। यानी कि जब पहली आवश्यकता और दूसरी आवश्यकता की संतुष्टि होने के बाद व्यक्ति में तीसरी आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं, जिसे हम कहते हैं स्नेह संबद्धता की आवश्यकता कहते हैं। एट दिस लेवल पीपल वॉन्ट टू सेटिफाइड देयर इमोशंस, दे नीड टू लव एंड बी लव्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रॉब्लम सच एज एनजाइटी एंड लॉनलेंस। दैट मीन्स होता है कि इन स्तर के जो लोग रहते हैं वो अपनी भावनाओं को संतुष्ट करना चाहते हैं। चिंता और अकेलेपन जैसी समस्याओं से बचने के लिए उन्हें प्रेम और प्रेम करने की जरूरत होती है। तो इसे हम क्या कहते हैं? स्नेह संबद्धता की आवश्यकता कहते हैं। जब व्यक्ति की शारीरिक एवं सुरक्षा की आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है तब तीसरी आवश्यकता उत्पन्न होती है, जिसे क्या कहा जाता है? स्नेह संबद्धता की आवश्यकता कहते हैं, और इसे हम सोशल यानी कि सामाजिक आवश्यकता भी कहते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? फैमिली, फ्रेंड, लवर एंड अदर सोशल ग्रुप एक्टिविटीज कीप दी पर्सन टू फील लव्ड एंड एक्सेप्टेड बाय। यानी कि इसमें परिवार, दोस्त, प्रेमी एंड अन्य सामाजिक समूह गतिविधि जो व्यक्ति को प्रेम करना और प्रेम को स्वीकार करने के लिए महसूस करती हैं। इसमें व्यक्ति के अंदर परिवार या समाज का सदस्य बनने की आवश्यकताएँ होती हैं। इसमें परिजन, समाज, मित्र और पड़ोसी आदि में स्नेह पाने और स्नेह देने की आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? स्नेह एवं संबद्धता की आवश्यकता कहते हैं। तो पहली आवश्यकता कौन सी थी? आपकी शारीरिक आवश्यकता। दूसरी आवश्यकता थी आपकी सुरक्षा की आवश्यकता, और तीसरी आवश्यकता है ये आपकी स्नेह संबद्धता की आवश्यकता।
अब व्यक्ति की जो चौथी आवश्यकता होती है जिसे हम कहते हैं सम्मान की आवश्यकता, सेल्फ एस्टीम नीड कहलाती है। एट दिस लेवल द नीड फॉर एप्रिसिएशन एंड रिस्पेक्ट बिकम मोर प्रीमिनेंट। इसमें प्रशंसा एवं सम्मान की आवश्यकताएं अधिक होती हैं। जब व्यक्ति की तीनों आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाती है तब व्यक्ति की चौथे प्रकार की आवश्यकता उत्पन्न होती है जिसे हम कहते हैं पहचान की आवश्यकता कहते हैं। पीपल नीड टू बी रिस्पेक्टेड बाय अदर, दे वॉन्ट टू अकम्प्लिश थिंग एंड विलिंग रिकॉन्साइड बाय दोज अचीवमेंट ओनली। इसमें लोगों को क्या किया जाता है, दूसरों को सम्मान की जरूरत होती है। व्यक्ति क्या करते हैं, दूसरों को सम्मान पाने की आवश्यकताएं होती हैं। वे चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं और केवल उन्हीं उपलब्धियों से अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, यानी कि अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, खुद के सम्मान क्या है, आप क्या काम कर रहे हैं तो जिससे आपको क्या मिले, सम्मान प्राप्त मिले। इसे आत्मसम्मान और दूसरों को सम्मान पाने की आवश्यकताएँ इसमें इंक्लूड की जाती हैं। आत्मसम्मान के अंतर्गत इसमें वृद्धि, उपयुक्तता, उपलब्धि, स्वतंत्रता आदि भावनाएं शामिल होती हैं। सम्मान की आवश्यकता व्यक्ति की योग्यता एवं क्षमताओं पर निर्भर करती है। यदि आपकी योग्यताएं कितनी हैं, आपकी कैपेसिटी कितनी है, ये आपके उस पर डिपेंड करती हैं, तभी आपको उसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा। व्यक्ति के पद, सम्मान, आय प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और यह पूरे जीवन भर चलती रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल्फ यानी कि सम्मान की आवश्यकता कहते हैं। जब व्यक्ति की सम्मान की आवश्यकता की संतुष्टि हो जाती है तब फिर पांचवी आवश्यकता उत्पन्न होती है जिसे हम कहते हैं आत्मसिद्धि या लक्ष्य की आवश्यकता कहते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कहा जाता है। आत्मसिद्धि की आवश्यकता वे होती हैं जिसमें सभी आवश्यकताओं की संतुष्टि के बाद आत्मसिद्धि यानी कि व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, आत्मसिद्धि की आवश्यकता कहते हैं। मैस्लो जी ने बताया है कि आत्मसिद्धि से तात्पर्य व्यक्ति की आत्म उन्नति से होता है। इसमें व्यक्ति स्वयं की योग्यताएं, क्षमताओं से अवगत होता है, खुद के बारे में योग्यताएं जानने लगता है कि उसको अभी तक कितनी योग्यताएं प्राप्त हो चुकी हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी है, साथ ही वो उन्हें विकसित करने की इच्छा रखता है। इसके पूरे होने पर व्यक्ति के अंदर जितने भी डर हैं, भय है, लोभ है, ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति अपनी अंतरात्मा को पहचान लेता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, आत्मसिद्धि यानी कि आत्मलक्ष्य की आवश्यकता कहते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के कारण व्यक्ति में क्या होता है, आत्म अनुभूति होने लगती है, अंतर आत्मा यानी कि वो अपनी अंतर आत्मा को पहचान लेता है, आत्म की अभिव्यक्ति होने लगती है, जिसे ही हम कहते हैं आत्मसिद्धि की आवश्यकता कही जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने मैस्लो की पांच आवश्यकताएं पढ़ ली हैं कि मैस्लो की पांच आवश्यकताएं कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले आपकी आती है शारीरिक आवश्यकता, सेकेंड होती है आपकी सुरक्षा की आवश्यकता, थर्ड है आपकी स्नेह एवं संबंधता यानी कि स्नेह प्रेम की आवश्यकता, और फोर्थ है आपकी सम्मान की आवश्यकता, एंड लास्ट में आपकी जो आवश्यकता उत्पन्न होती है वो कहलाती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्मसिद्धि की आवश्यकता कहलाती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि निम्न स्तर में कौन कौन सी आवश्यकताएं आती है और उच्च स्तर में, तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए कि निम्न स्तर की आवश्यकता कौन कौन सी है, शारीरिक आवश्यकता है, सुरक्षा की आवश्यकता है और स्नेह संबंधता की आवश्यकता। मतलब ये तीन आवश्यकताएं किसमें इंक्लूड होंगी, आपके निम्न स्तर में, और उच्च स्तर में आपकी आवश्यकताएं रहेंगी सम्मान की आवश्यकता और आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो ये मैस्लो की इम्पॉर्टेंट नीड्स हैं जो हर एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं फ्रेंड्स। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि निम्न स्तर में कितनी आवश्यकताएं आएंगी, तीन, और उच्च स्तर में कितनी आवश्यकताएं आएंगी, दो। तो आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही है, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए सिद्धांत के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अभी तक हमारे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।